दी, हाँ वो कुछ कहना था आपसे। आपसे? वाह भाई, इतनी इज्जत, पैसे चाहिए थे क्या? हाँ भिखारियों से नहीं मांगता मैं पैसे। अब आया ना लाइन पर, बोल क्या हुआ? नहीं, वो कल तेरी शादी है ना, तो कल तो तू चले जाएगी। फिर फिर बोल। नहीं, माँ के जाने के बाद मुझे नहीं पता, देख तूने मुझे कैसे संभाला है कैसे नहीं। कल के बाद सब कुछ बदलने वाला है। मैं किससे टीवी रिमोट के लिए लड़ा करूंगा, कौन मेरी शर्ट टी शर्ट पहन के घूमा करेगा, किसके मैं बाल खींचा करूंगा। हाँ मानता हूँ तेरी मेरी बहुत लड़ाई हुई है, मैंने तुझे बहुत बार रुलाया है, पर कसम से अगर तेरी आंख में एक भी आंसू किसी और की वजह से आए ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने तेरे को कभी नहीं बोला, पर आई लव यू, आई लव यू सो मच दी। ओ, आई लव यू टू आज भाई। तुझे जेब मत दो, मजाक कर रहा था मैं। मुझे याद है तेरे को मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लेकर आए थे। हाय दी, अब हाय। तो शादी हो गई ना तेरी? वो तो होनी थी। नहीं, जिस हिसाब से तेरी शक्ल है ना, वैसे कसम से मुझे लगा नहीं था तेरे से कोई शादी वादी रुक जा, तेरी करेगा। अरे तो। नहीं, मार मत, मजाक कर रहा हूँ यार। याद आती तेरी बहुत ज्यादा, मुझे नहीं मम्मी और पापा को। तेरे जाने के बाद अब बर्तन मुझे धोने पड़ते हैं। खाना भी बनाना सीख लिया मैंने। कभी कभार मम्मी की तबीयत खराब रहती है तो मैं बना देता हूँ। अच्छा हाँ, और ये टीवी के रिमोट के पीछे भी अब किसी से लड़ाई नहीं होती है, मेरी शर्ट टी शर्ट भी ऐसी बनी रहती है। और रात को घर जल्दी आना स्टार्ट कर दिया मैंने, क्यों? क्योंकि तेरी तरह कोई 11 बजे तक जागता थोड़ी है मेरे लिए दरवाजा खोलने के लिए। तूने रुलाना है मेरे को? अच्छा, तूने वो बात बताई जीजू को? अरे कौन सी? भाई, क्या? इधर कितने को मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाए थे बताया? नहीं, रुक जा, मेरी चप्पल मार कहाँ मत, है? मजाक कर। आई मिस यू। भाई क्या है? तू रो रहा है? नहीं, मैं प्याज काट रहा था। अच्छा ऊपर देख, क्यों रो रहा है भाई? तेरे जाने के बाद ना, तेरी शादी के बाद ना, सब कुछ बदल चुका है। नहीं लगता यार, मन मैं नहीं बता पाता, बट आई रियली लव यू एंड आई मिस यू। आज भाई दूज है, आज तू घर पे नहीं है, कल रक्षाबंधन होगा, कल तू फिर घर पे नहीं होगी, परसों मैं मर चुप, गया। एकदम चुप। मैं हमेशा तो तेरे साथ नहीं रह सकती ना, कल को तेरी भी शादी होगी, तेरी वाइफ भी तो अपनी फैमिली को छोड़ के आएगी, है ना? तो ऐसे ही सबको एक दिन जाना होता है। फिर भी यार, चुप कर, अब कल आ रही हूँ ना मैं। पक्का? हाँ सुन, कल ना तू गिफ्ट लेकर आई है मेरे लिए, बहुत रक्षाबंधन पे तूने मेरे से गिफ्ट ले ली ना, अब तेरी बारी, अब तू लेकर आएगी। ज्यादा हंस मत, चल चल, सबको पता चल चुका, देखो मंदिर की सीढ़ियों से उठाया था। हाँ हाय भाई। मिल गया बात करने को अब आपको टाइम? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिजी थी थोड़ा। चलो कोई नहीं, इट्स ओके। बड़ा खुश है, काम वाली बाई रख ली क्या? इतने अच्छे भी दिन नहीं आए, तेरे जाने के बाद मुझे ही करने पड़ते हैं सारे के सारे काम। ओ फिर क्यों खुश है? नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। क्या सच्ची? चल झूठा, शक्ल देखी तूने अपनी? शक्ल देखे प्यार होता होता ना, तो तेरी तो शादी भी नहीं होनी थी। हो चल नाम तो बता दे। मैं नहीं बता रहा। क्यों? नहीं, सब कुछ अभी बता दूंगा तो पार्ट 5 के लिए क्या बचेगा फिर? मेरा बर्थडे आ रहा है वैसे, गिफ्ट देने का सोचा है कुछ? हाँ सोच लिया। क्या? एक बड़ा सा डब्बा। कौन सा वाला? वो वाला जहाँ से देखो उठा के लाए थे। मतलब अरे वही क्या? कचरे का डब्बा। तेरी तो सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मैं तो भूल गया था, तेरे को तो मंदिर की सीढ़ियों से उठाया। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, रुक जा तू, कुछ नहीं कुछ नहीं। कब आ रही है मिलने के लिए? बहुत जल्दी, पार्ट 6 में। इतना बिजी हो गया, बहन से बात करने का टाइम नहीं मिलता। नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली मेरी जॉब लग गई ना, तो बस वही पे। कंग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशंस? किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशंस? हाँ, ठीक से मम्मी आपस से बात करने का, ठीक से सोने का, ठीक से खाना खाने का टाइम तक नहीं मिलता। देखो पता ही है, तेरे जाने के बाद सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे सर पर आ गई और तू कह रही है कॉन्ग्रेचुलेशंस? बाबा इट्स ओके। नहीं, क्या इट्स ओके? क्यों हो गए यार हम इतने बड़े? देखो याद है बचपन में हम कैसे एक दूसरे रिमोट के लिए लड़ा करते थे, और तू पापा पापा कह के बेफालतू में मुझे पिटवा दिया करती थी। ये जैसा भी था, जो भी था, एक हैप्पी लविंग फैमिली तो थी ना। और आज तू कहाँ 200 किलोमीटर दूर, और मैं मुझे खुद को नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। वैसे कभी कभी लगता है ना, एक बुरे सपने की तरह है, अभी नींद खुलेगी और वही बचपन जैसे एक दूसरे के बाल खींचेंगे, शर्ट के लिए लड़ा करेंगे। पर नहीं यार, ये तो हकीकत है। आ रही हूँ मैं जल्दी मिलने। भाई क्या है? नाराज है?
तूने आना था ना मिलने के लिए। सॉरी ना भाई, मेरी तबीयत खराब हो गई तबीयत थी। अभी ठीक है? नहीं है, दवाई ली नहीं ली। मैंने तेरे को मना करा था बाहर का खाने से, लेकिन नहीं, मेम चाबी को तो चिल्ली पटेटो चाहिए विद एक्स्ट्रा स्पाइसी है भैया, थोड़ा सा क्रंची और अच्छा कर देना सुन मैंने तेरे को। सुन सुन, तो इतना प्यार? अबे चल, कोई प्यार व्यार नहीं है। अच्छा जी, जॉब कैसी चल रही है? ठीक ही चल रही है, और गर्लफ्रेंड? वो तो चलते चलते काफी आगे निकल गई, मतलब मतलब ब्रेकअप हो गया। क्यों? कह रही थी मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा, मुझे खुद को आधा घंटा मिलता था जिसमें तो मम्मी आपस से कम उससे ज्यादा बात होती थी, और उसमें भी लड़ाइयाँ। अब तो खुद पता, मैं तेरे को टाइम नहीं दे पा रहा, इसका मतलब ये थोड़ी ना तू मुझे छोड़ के चली आएगी। सॉरी, तू तो मुझे ऑलरेडी छोड़ के जा चुकी मैं है। छोड़ के नहीं गई हूं यार, आई मिस अच्छा ठीक है यू। ठीक, रो मत, आई मिस यू टू, आई मिस यू टू। तू नहीं मिलने आ पाई तो क्या हो गया? मैं आ जाऊंगा मिलने वाले, तेरी फेवरेट चीज लेकर आऊंगा। क्या अरे वही जो तू हमेशा लगाती थी, परफ्यूम? झाड़ू। हो भाई, हाँ जी सुन बोल, सुन ना, बोलेगी। इधर देख, हाँ सुन रहा हूँ, बोल बोल। तू मामा बनने वाला है। अच्छा ठीक है फिर, अपना क्या अपना जुदा कर दे करम के, दिल ये चैन पाएगा। सच्ची? हाँ सच्ची। मम्मी पापा ब्रूनो आ जाओ, मैं मामा बन जाऊंगा। पापा 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 पापा, नाना मम्मी 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 नानी। तू मम्मी बनेगी, देखो मम्मी बोलू। बड़ा खुश है, बेटा हुआ है क्या? नहीं बेटी नहीं, फिर? ट्विन्स जो है, बेटा और बेटी दोनों। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन थी मामा बनने के लिए। देखो भी, तू भी तो मामा बन गया। हाँ क्यों नहीं, थैंक यू सो मच। और वैसे कहना पड़ेगा, एंजल आयान बिल्कुल तेरे पे गए हैं। है ना? देखे वो बिल्कुल हमारे जैसे बड़े होंगे, हमारे जैसे ही लड़ाई करेंगे, एक दूसरे के बाल खींचेंगे तो कोई दूसरे की टांग, टीवी रिमोट या शर्ट टी शर्ट के लिए लड़ेंगे, स्कूल में जाएंगे, स्टडीज करेंगे बिल्कुल हमारे जैसे, फिर कोई जॉब करेगा तो कोई बिजनेस हमारे जैसे, फिर जब एज हो जाएगी तो शादी और हो जाएंगे अलग, बिल्कुल हमारे जैसे, है ना? पागल, कितने आगे की सोचता है। हाँ खैर वैसे छोड़, वैसे दोनों होंगे मेरी टीम में, तो जम के चिढ़ाएंगे देखियो। अच्छा जी, हाँ वैसे यहाँ पे तेरे कुछ लगा है? क्यूटनेस होगी नहीं, फिर क्या? बुढ़ापा। हाँ तो जितनी मर्जी पड़ी होता, तेरे को हर वक्त मैं चिढ़ाऊंगा देखियो। हाय भाई, सुनना भाई। अरे हाय दी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन तू ठीक नहीं लग रहा। नहीं, मुझे क्या होना है? अपनी बहन को नहीं बताएगा? दी नहीं अच्छा लगता कभी कभी, बहुत अकेला सा लगता है, कोई होता नहीं मैं जिससे बात शेयर कर सकूं, कोई अपनी खाने की चीज शेयर कर सकूं। दी तेरे को याद है जब हम बच्चे थे, बचपन में हमारी माँ कैसे बाहर से चीज लेकर आती थी, तो हम क्या किया करते थे? उस चीज के पीछे लड़ाई है ना, उसके बाद माँ आकर उस चीज को आधा आधा कर देती थी और तू मेरे हिस्से का भी खा जाता था। दी आज माँ बाहर से कोई चीज लेकर आती है, मैं कुछ खरीदता हूँ ना, तो उसको खाने का मन नहीं करता, क्योंकि तू नहीं होती जिसके साथ मैं शेयर कर। अच्छा सुन, तो तू सैड मत हो, मैं आ रही हूँ ना, तो तेरी फेवरेट चीज लेके आऊंगी जो तू सिर्फ मेरे हाथ से खाता है। शाही पनीर? नहीं, फिर चप्पल। तू भी बड़ी मेरी जैसी हो रही है बेटा, बहन भी तो तेरी हूँ। दी हाँ भाई, कितने सुंदर लग रहे हो आज, आपको पता है चीज के बारे में? तू से सीधा आप, वाह। वो भी बिना मेकअप के, है ये क्या पहना है? मतलब मतलब कितना कितना सूट कर रहा है, मोटे भी नहीं लग रहे, मेरी बहन है क्या? सच बताओ क्या काम है? देख 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 देख, कितनी समझदार है, मुझे पता था तू समझ जाएगी। चल चल, वो मम्मी आपस से बोलना मुझे ट्रिप पर जाने थे। कहाँ जाना है? ओयो क्या, शिमला 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 शिमला। तूने क्या तूने तूने क्या सुना? कौन जा रहा है साथ? वो मेरी दोस्त, मेरा 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 दोस्त जा रहा है ना साथ, तो उसके साथ ही। वैलेंटाइन वीक में लड़के के साथ? तेरे को पता है ना यार, पता, प्लीज बोलना मम्मी पापा से, ट्रस्ट मी मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं जितनी तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ उतनी ही उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि दूसरा तेरे को जैसे ट्रीट करे वैसे ही उसको ट्रीट करूंगा। उसके भी बाल खींचेगा? नहीं 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 चल मैं करती हूँ कुछ बात। थैंक यू सो मच, और सही में सुंदर लगे, माफ करे बहुत मनोज। भाई हाय दी, क्या हुआ है ये आंख पर? नहीं कुछ नहीं, बस ये तो दरवाजे से लग गई।
बचपन से हूँ तेरे साथ, अपनी बहन से झूठ बोलेगा? सच बता, किससे लड़कर आया? देख दी, कोई मुझे गलत बोलेगा ना एक बार को मैं सह भी लूंगा, लेकिन कोई तेरे बारे में कुछ गलत बोलेगा ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब साले हजार बार सोचेंगे किसी दूसरे की बहन को गलत बोलने से पहले। हजार कुत्ते भौंकेंगे यार, तो कितने का मुंह बंद कराएगा? तू कुत्तों को क्यों बीच में लेकर आ रही है? उन लोगों से कंपेयर करके तू कुत्तों की बेइज्जती कर रही है। हाँ हाँ, अभी भी मजाक सूझ रहा है। अच्छा सुन, कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, तू क्राउडेड प्लेसेस में मत जाइयो और हैंड सैनिटाइजर याद से यूज करियो। सो स्वीट की बात नहीं है, तुझे होगा तो मुझे होगा, तुझे परवाह नहीं अपनी लाइफ की। भैया मुझे तो बहुत प्यारी अपनी लाइफ। तुझे तो हो भी नहीं सकता। क्यों, तू कौन सा वायरस से कम है? कहाँ थी तू कल रात को? रात के 3 बजे आके मैंने गेट खोला है। अच्छा हुआ मैं चिल्लाया नहीं, वरना मम्मी पापा की नींद खुल जाती। कहाँ थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही गई थी। ऐसे ही गई थी? रात के 3 बजे तू ऐसे ही जा रही है, ऐसे ही आ रही है, वो भी बिना किसी को बताए। कहाँ थी, किसके साथ थी और क्यों गई थी, मुझे अभी सच सच पता। देख अब बहुत हो रहा है तेरा, मेरी भी पर्सनल लाइफ है। देख जी, मुझे पता है तेरी पर्सनल लाइफ है और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तेरे को बॉयफ्रेंड बनाने है तू बना, तेरे को पार्टीज करनी है तू कर, तेरे को रात के 3 बजे आना है 4 बजे आना है तू आ, मैं कभी तेरे को मना नहीं करूंगा। लेकिन कल को अगर उन्हीं चीजों की वजह से तेरे को कुछ हो भी गया ना, मैं कभी अपने आप को अपनी जिंदगी में माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं मानता हूं मैं नहीं दिखा पाता, पर आई लव यू एंड आई केयर फॉर यू। आई लव यू टू भाई, अब पक्का ध्यान रखूंगी। निकाल 500 रुपए निकाल। किस बात के? क्यों भाई, मम्मी पापा को नहीं बताया? अगर बता देता ना, वरना डिश क्या हाय दी। हाय भाई। वो मैं कह रहा था कि हाँ बोल, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, वो मेरी प्लेसमेंट हो गई, कंपनी यूएस की है। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस, फाइनली तेरी मेहनत रंग लाई। थैंक यू। पर क्या पर? देखो पता है ना, मुझे इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा। तो क्या? तो नहीं तो क्या? क्या तो तेरे फेस पे ना सब कुछ दिख रहा है, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। चले आऊंगा तुम सबसे दूर, हो जाऊंगा तुम सबसे दूर, नहीं रख पाऊंगा तेरा ख्याल और ना ही मम्मी पापा का ख्याल। क्या करूंगा वहां पे जाके, कैसे करूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरे को अपना फ्यूचर, अपना करियर बनाना है ना? Obviously. तो देख भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता ही है। आ, पर इसे छोड़, मेरे को तुमको कुछ बताना है सच सच। देखो हम मंदिर की सीढ़ियों से नहीं उठा के लाए थे, सॉरी। ओह थैंक यू। देखो तो हम कूड़े के डब्बे से उठा के लाए थे। तू पिटेगा। अच्छा चल सामान पैक कर ले। हाय दी। हाँ भाई। आज तेरा भाई तेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करेगा, तेरे को जो कहना है जो बोलना है जल्दी से बोल। क्यों, ऐसा क्या है आज? नहीं आज लास्ट डे है ना मेरा इंडिया में तेरे साथ, मम्मी पापा के साथ, तो कल से तो मैं होऊंगा नहीं, चले आऊंगा यूएस, तो तेरे को जो कहना है जल्दी से कह। ऐसे मत बोल, तेरे को पता तो था। अच्छा तेरे को मैं शर्ट टी शर्ट चाहिए थी ना, तेरे को जो लेनी है ले ले, प्लस तेरे को मेरा लैपटॉप पसंद था, मैं लैपटॉप ले ले स्पेशली घर में छोड़ के जा रहा हूँ। आज से मेरी कार, मेरी स्कूटी, मेरी बाइक सब कुछ तेरा। और तेरे को टीवी में जो शो देखना होगा तो देखियो, क्योंकि मैं होऊंगा नहीं ना यहाँ पे, तो जैसे टीवी रिमोट के लिए लड़ाई करा करेगा है ना। पर जो भी कहो यार, यूएस में जाके ना तू होगी नहीं परेशान करने, एकदम चैन की जिंदगी जीऊंगा। तू रुला मत अब, तेरी याद बहुत आएगी यार। अरे पागल रो क्यों रही है? अब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो करने पड़ते हैं, तूने सिखाया था है ना। रो मत, मम्मी पापा के साथ भी टाइम स्पेंड करना है चाह रहा हूँ। और हाँ देखो, हमने कोई मंदिर की सीढ़ियों से या फिर कूड़े के डब्बे से नहीं उठाया था, तो मेरी ही बहन है दी। जा रहा हूँ मैं, कुछ कहना है आखिरी बार? तेरी नाक पे पिंपल हो गया, ख्याल रखियो अपना। रोइयो मत, कहा नहीं तुझसे कभी, बस लव यू। गुड बाय। एक गुड़िया है फूलों की। हाँ मानता हूँ तेरी मेरी बहुत लड़ाई हुई। भाई क्या है, तू रो रहा? अपनी बहन को नहीं बताएगा? नाराज है? तू नहीं आना था मिलने के लिए? सॉरी, तू मामा बनने वाला है। अच्छा ठीक है फिर, क्या बाय बाय। ओके बहुत अकेला सा लगता है, मम्मी आपसे बोलना मुझे ट्रिप पर जाने दे, तुम बाबा बन जाओ, पापा पापा बन जाओ, मिलना कब? तो ये है वो। सच बता, किससे लड़कर आया? उसके भी बाल खींचेगा। नहीं आज लास्ट डे है ना मेरा इंडिया में तेरे साथ। मैं हमेशा तो तेरे साथ ही रह सकती ना। ओह आई लव यू टू भाई।